हेलो दोस्तों, या 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है जो कि जनरल साइंस का है। यह एनटीपीसी एसएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, डीआरटीओ के लिए भी, क्योंकि उसके भी पेपर टू में सिर्फ जनरल साइंस ही आने वाला है। तो ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट सी सीरीज है, ये 100 क्वेश्चन का है, ठीक है। ये 100 क्वेश्चन का है जिसमें हम इस वीडियो में 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मैंने पहले दो वीडियो बनाया है जिसमें हर एक वीडियो में 20-20 क्वेश्चन डिस्कस किया है। मैं इस वीडियो में भी 20 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक। पॉल्स आर अ रिच सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पॉल्स जो है दाल, क्या चीज़ में सबसे ज़्यादा उसमें क्या पाया जाता है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा उसमें प्रोटीन पाया जाता है, ठीक, याद रखिएगा। पॉल्स में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन प्रोजेक्टाइल मोशन द होरिजन रेंज इज अचीव, होरिजेंटल रेंज इज अचीव इज सेम वेदर द बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट थीटा एंड और कौन से 90 डिग्री माइनस थीटा। दोस्तों प्रोजेक्टाइल मोशन होता है जैसे कि, मतलब आप कोई भी, जैसे मान लीजिए एक पत्थर आप फेंकते हैं, तो जो पत्थर वो जाता है वो उसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अगर उसको आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में देखिएगा, तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ से पत्थर फेंक रहे हैं, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, ठीक। तो ये दिया हुआ है कि कितने एंगल पे फेंका जाए कि दोनों एक ही जगह जाकर गिरे, मतलब दोनों का रेंज जो हो वह सेम हो। तो अगर दोस्तों जैसे मान लीजिए अगर आप एक 35 डिग्री पे फेंक रहे हैं और दूसरा 55 डिग्री पे फेंकिएगा, तभी जाके दोनों एक ही जगह गिरेगा। तो होता क्या है, कोई भी एंगल, जैसे मान लीजिए एक्स प्लस वाई अगर दो थीटा है, जैसे एक मान लीजिए एक्स थीटा है वाई थीटा है, तो दोनों का सम अगर 90 डिग्री है, तो इस दोनों एंगल पे दोनों का रेंज सेम होगा। आइए हम लोग समझते हैं कि रेंज सेम क्यों होगा। क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज का जो फॉर्मूला होता है वह होता है रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, इनटू साइन 2θ/g, ठीक। तो जैसे मान लीजिए अगर आप एक थीटा पे फेंक रहे हैं और दूसरा 90-θ पे फेंक रहे हैं, ठीक, तो क्या होगा, अगर आप एंगल एक तो थीटा पे फेंक रहे हैं और अगर आप साइन में 90-θ अगर पुट कीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप साइन में पुट कर रहे हैं साइन 2θ कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन 180-2θ। और हम लोगों को पता है कि साइन 180-2θ क्या होता है, साइन 2θ हुआ। तो फिर साइन दोनों बराबर आ गया, जैसे कि जो पहले था दोनों बराबर आ गया, तो इसमें क्या होगा, इसीलिए दोनों का रेंज सेम हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक।
इलेक्ट्रोस्कोप वॉज डिस्कवर्ड बाई, इलेक्ट्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया था? तो इलेक्ट्रोस्कोप दोस्तों विलियम गिलबर्ट ने डिस्कवर किया था। ठीक, इलेक्ट्रोस्कोप का काम क्या है? तो इलेक्ट्रोस्कोप का काम है यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसकी उपस्थिति को यह डिटेक्ट करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, द ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड, जो ग्लोइंग जो सरफेस ग्लो करता है उसको क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। सरफेस का जो सन का जो सरफेस ग्लो करता है उसको हम लोग फोटोस्फीयर कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, ये मान लीजिए सन का सबसे इनर वाला, उसके ऊपर वाला, ये अगर उसके ऊपर वाला है, ठीक, तो सबसे ऊपर वाला ये क्या होता है, सबसे ऊपर वाला, ठीक, कोरोन होता है, कोरोन, ठीक, CORON कोरोन होता है। उसके अंदर वाला हल्का सा अंदर वाला ये क्रोमोस्फीयर होता है, और उसके ये वाला जो होता है ये फोटोस्फीयर होता है। ठीक, तो यही ग्लो करता है, जो फोटोस्फीयर वाला पार्ट होता है ये ग्लो करता है, और सबसे अंदर वाला कोर, सबसे इसको कोर कहते हैं, और सबसे जो बाहर पूछ देगा तो आपको कोरोन याद करना पड़ेगा। जो सरफेस ग्लो करता है उसको फोटोस्फीयर कहते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्कस सपोटा इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ, तो आर्कस सपोटा इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ किसका है? ये चीकू का होता है। ठीक, चीकू एक फल का नाम है, चीकू का होता है। ठीक, चीकू ये साइंटिफिक नेम है सब आर्कस सपोटाइड। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फराड इज अ यूनिट ऑफ, फराड किसका यूनिट है? तो फराड दोस्तों कैपिस्टेंस का यूनिट है, कैपिस्टेंस का, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अब वन फराड इज कल टू वन कॉलम्ब, COLUM कॉलम्ब अपॉन वन वोल्ट होता है। ठीक, तो अगर कोई पूछ दे कैपिस्टेंस का फॉर्मूला तो चार्ज अपॉन वोल्ट, सी इज कल टू क्यू अपॉन वी। ठीक, क्योंकि जो चार्ज का जो सिंबल होता है वह क्यू होता है, और वोल्ट का वो पोटेंशियल डिफरेंस का वी होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? तो फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस देखा जाए तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक, स्पीड इनटू टाइम, इसका ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। इसका जो यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्टोपस बिलोंग टू फाइलम, तो ऑक्टोपस जो बिलोंग करता है फाइलम के किस ग्रुप से? तो फाइलम के मोलुस्का ग्रुप से बिलोंग करता है ऑक्टोपस। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी? पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीवीसी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक, पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है? ठीक, यह एक थर्मोप्लास्टिक है।
ठीक, क्या चीज़ से बना होता है, मैनोमर से बना होता है, ठीक, विनाइल क्लोराइड, ये याद रखिएगा, ये मैनोमर का नाम क्या है, विनाइल क्लोराइड, ठीक। जब आप इसको गर्म करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाता है, ठीक, पीवीसी टर्न सॉफ्ट व्हेन इट इज हीटेड एंड हार्ड व्हेन कोल्डेड, ये याद रखिएगा, ठीक। मैनग्रूव आर द प्लांट डैट हैव, मैनग्रूव वो प्लांट है जिसका जो जिसके पास रेस्पायरेटरी रूट होता है, रूट जो होता है इसका रेस्पायरेटरी होता है, इसको याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग फोर्स कहते हैं, ठीक। तो फोर्स, फोर्स को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहते हैं, इसको याद रखिएगा। और फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक। और फोर्स का सीजीएस यूनिट जो होता है, ठीक, उसको डाइन कहते हैं, ठीक, डाइन कहते हैं। तो एक न्यूटन कितना होता है, एक न्यूटन 10^5 डाइन होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर इन सीमेंस, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो सीमेंस में नापा जाता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है उसको हम लोग सीमेंस में नापते हैं, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच केमिकल कंपाउंड इज यूज इन मेकिंग ऑफ डाई, तो कौन सा केमिकल कंपाउंड है जिसको हम लोग डाई में नापते हैं, ठीक। तो पोटेशियम कार्बोनेट को हम लोग डाई बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो पोटेशियम ब्रोमाइड को क्या चीज़ में यूज करते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में यूज होता है, ठीक, फोटोग्राफी में। पोटेशियम क्लोराइड एंड पोटेशियम सल्फेट, इसको फर्टिलाइजर बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक। पोटेशियम कार्बोनेट का आप लोग फॉर्मूला भी देख लीजिएगा, K2CO3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो फिनोमिना विच कॉजेज द मिराज, तो फिनोमिना विच कॉज मिराज इज इक्वल टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम लोग जो फिनोमिना जो मिराज जो होता है ये एक्चुअली रेगिस्तान में होता है, डिजर्ट में होता है, या किसके कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन, कौन सा डिवाइस है जिससे जो डेप्थ ऑफ ओशियन को मेजर करने में मदद करता है, तो वह फैटोमीटर है जो जिससे हम लोग डेप्थ ऑफ ओशियन को मापते हैं, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट हैज अ डायमेंशन ऑफ, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट के पास डायमेंशन किसका होता है, तो एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन होता है वही प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का भी होता है, ये चीज़ याद रखिए, कब पूछ देता है, ठीक। जो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का डायमेंशन होगा वही एंगुलर मोमेंटम का होगा। ऐसा यूनिट क्या होता है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का, ये भी याद कर लीजिए, जूल सेकेंड और न्यूटन मीटर सेकेंड या केजी मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ज़्यादा अच्छा है जूल पर सेकेंड याद रखिए, ठीक। अब हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल वर्क ऑन पास्कल प्रिंसिपल, देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक हो या हाइड्रोलिक लिफ्ट हो, ये सब जितना भी हाइड्रोलिक है ये सभी पास्कल्स लॉ पे ही काम करता है। एक्चुअली पास्कल्स लॉ होता क्या है, ठीक, तो अगर आप कोई भी एक कन्फाइंड बर्तन ले लीजिए, इसमें आप लिक्विड भर दीजिए, ठीक, और अगर आप ऊपर से पिस्टन से
पिस्टन से अगर प्रेशर लगाएंगे तो जितना प्रेशर इस पे इसके वाल पे लगेगा नीचे, उतना ही प्रेशर ऊपर लगेगा, उतना ही प्रेशर चारों ओर लगेगा। मतलब ये है कि किसी भी कन्फाइंड कंटेनर में अगर आप ऊपर से पिस्टन से दबा रहे हैं तो जितने प्रेशर से आप ऊपर से दबाइएगा उतना ही प्रेशर चारों ओर यह ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक। तो यही पास्कल लॉ कहता है। इसी पे हाइड्रोलिक ब्रेक हो आपका, हाइड्रोलिक ब्रेक हो, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो, ये सभी इसी पे काम करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द बेसिक्स प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक। द न्यूक्लियर रिएक्टर में जो बेसिक्स प्रोसेस जो है वो क्या होता है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में दोस्तों न्यूक्लियर फिजन होता है। अब न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन में एक 1200 न्यूक्लियर एलिमेंट जो होता है वो टूटता है दो छोटा छोटा में, फिर वो दो छोटा टूटता है दो छोटा छोटा में, इस तरह से ये होता है। और इसमें बहुत सारा एनर्जी भी साथ में बहुत सारा एनर्जी भी निकलता है, बहुत सारा एनर्जी भी निकलता है, ठीक। इस चीज़ को याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन मोस्टली पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। मोस्टली पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग में इंक्रीज होने होता है, और मेंडेलिफ पीरियोडिक टेबल में दोस्तों इंक्रीजिंग वेट होता है, वेट इंक्रीज करता है, ठीक। इसमें वेट इंक्रीज करता है, इसमें वेट इंक्रीज करता है, और मोसले में आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, ठीक। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है अगर पूछ दे तो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल दोस्तों हम लोग मेंडेलिफ को कहते हैं, मेंडेलिफ को, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, ठीक। द प्रोसेस चेंज, तो एवोपरेशन, एवोपरेशन में क्या होता है, लिक्विड जो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो एवोपरेशन में क्या होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, तो ये ए का वन ही होगा। तो ए का वन किस में है, बी और ए और बी में, तो ए और बी में ही किसी ए का आंसर होगा। सब्लिमेशन में क्या होता है, सब्लिमेशन में आपको दोस्तों जो सॉलिड होता है वह आपका सीधा गैस बन जाता है, तो सॉलिड टू गैस किस में है, ये आपका थ्री है, ठीक, यह थ्री में है, तो बी का थ्री होगा, मतलब अपना आंसर बी होगा। लेकिन आगे भी देख लेते हैं, फ्रीजिंग सब्लिमेशन किसका किसका होता है, कपूर का आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक, कपूर का। उसके बाद आपको नेफ्थलीन एक होता है जो अक्सर आप बाथरूम वाथरूम में देखिएगा, वहाँ वो भी बाथरूम में या ट्रंक में रखते हैं ताकि कपड़ा ख़राब ना हो, उसमें भी रखते हैं, तो वो भी सीधा सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो जाता है, ठीक, सॉरी सॉलिड टू गैस हो जाता है चेंज। फ्रीजिंग किसे कहते हैं, फ्रीजिंग जो फ्रीजिंग में क्या होता है, फ्रीजिंग में अपना दोस्तों लिक्विड सॉलिड बन जाता है, ठीक। तो लिक्विड टू सॉलिड टू में है तो सी का टू, और मेल्टिंग में, मेल्टिंग में अपना सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है तो डी का फोर, ठीक। तो ये था दोस्तों 20 क्वेश्चन इसमें। अब हम लोग और 20 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक। आपको वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट करके, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों आप लोग को ये कैसा लग रहा है, या अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, ज़रूर बताइए वीडियो में, ठीक। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।